भैया ओ भाई साहब क्या बात है भाई। क्या बात है क्या बात है, बड़े एक्साइटेड से घूम रहे हो क्या? है ये वाली क्लासिक से मन हटने लगा, क्यों लालच आ गया नई वाली क्लासिक का? चलो भाई आज फिगर आउट करेंगे कि अपनी नई वाली क्लासिक के अंदर कितने डिफरेंसेस आते हैं। क्या बढ़िया मौसम था ना, आई होप कि आपने कल की जो वीडियो है वो एंजॉय करी होगी। पर जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होगे उस दिन तो भाई मैं जा चुका हूँ दिल्ली से बाहर। मैं जा चुका हूँ दिल्ली से कहीं बाहर कहीं दूर, मैं नहीं बताऊँगा, वो आपको टाइटल देखकर पता चल जाएगा। एंड आई होप यू एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो। एंड इससे पहले वाली वीडियो जो है वो भी पसंद आई हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो हवा डलवानी इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसको कहते हैं कि पीछे 32 डलती है, आगे डलती है 28, पर इंजन इसका हल्का आगे है तो आई थिंक कि आगे डलनी चाहिए 26, पीछे डलनी चाहिए इसके अंदर 32। आई थिंक 32 इज़ इनफ, क्योंकि सिंगल पैसेंजर के अंदर 32 इज़ इनफ। बाकी आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का मुझे सच में नहीं पता है कि कितनी हवा इसके अंदर डलती है कितनी नहीं। तो कल की जो वीडियो उसको एडिट करने में ना ऐसी की तैसी हो गई थी, जस्ट फॉर द रीज़न कि भाई बहुत लेंदी प्रोसेस था। ऐसी ट्रैवल वीडियोज़ को एडिट करना है ना इज़ अ कम्प्लीट टास्क। एंड चेन मैंने थोड़ी सी टाइट करवाई थी, ज़्यादा टाइट लग रही है वैसे मुझे, देखते हैं। वाह चलो हो गया, ये कैप नहीं लगाई क्या? हो गई, एंड हमने हमने आपसे प्रॉमिस किया कि ब्रोस थोड़ी सी धीरे चलाएंगे, थोड़ी सी माइलेज निकालेंगे। एंड माइंड यू द एग्जॉस्ट रिवील डेट इज़ 5th of September, तो भाई 5 September को अपनी एग्जॉस्ट की वीडियो आ जाएगी। सो बी रेडी फॉर दैट, जस्ट फॉर द रीज़न। रीज़न आपको सबसे बड़ा ये बता दूँ कि इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस है जो मैं लेकर आने वाला हूँ, तो 5 September तक दैट वुड बी राइट, क्योंकि अभी नई क्लासिक लॉन्च हो रही है। आप सबको पता है कि 1 September की उसकी डेट है। मैंने उसके ऊपर ऐसी कोई सच वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि भाई उनसे ना वो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, ओवर शैडो हो जाएगी वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी वीडियो बनाने का। जब तक हाथ में सामान ना हो तब तक उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना दी जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहते मेरे हिसाब से। सो भी पूरी बाइक तो नहीं दिखा सकता, बट या आई कैन शो यू सम ग्लिम्स। कल या परसों देख लेना, कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, क्वालिटी वाली चीज़ बनाएंगे एंड क्वान्टिटी से थोड़ा सा बच के रहेंगे। एंड आई हैव टू शेयर विद यू ऑल कि भाई ये ना एक बाइकिंग एरा है यहाँ पर ना, एवरीवन इज़ क्रेविंग टू हैव अ बाइक सीरियसली, मतलब द बाइक इज़ अ नेसेसिटी नाउ फॉर एवरीवन टू हैव देयर एड्रेनलिन रश मूविंग। मतलब मुझसे रुका ही नहीं जाता यार, मुझसे रुका ही नहीं जाता कि मैं थ्रॉटल को आराम से पुश करूँ, मैं थोड़ा सा लाइट बाइक उठाऊँ। नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस टू फिनिश माई चेन सेट एंड रिन माई इंजन क्वालिटी, मतलब पूरा जोर लगा। बस ऐसा ही मौसम बना रहे कल भी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया नहीं है कि हम कल कहीं जा रहे हैं, पर जहाँ जा रहे हैं वो बहुत एक सुंदर सीनिक छोटी छोटी पहाड़ियाँ एंड एक थोड़ा गर्म क्षेत्र है। तो अगर आप समझ गए हैं मैं कौन सी स्टेट में जा रहा हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो फ्रेंड्स, लेट मी नो कल। ओ लाला, हरियाणा के जस्ट साइड में दिस इज़ द इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर हर बाइक के शोरूम है। मतलब नारायणा इज ऑल्सो मूविंग इन टू द ऑटोमोबाइल सेक्शन, जस्ट लाइक हियर इज द सुपर सुजुकी, द दुकाटी, द दुकाटी इज अ स्टैंडिंग जस्ट लाइक स्मॉल टॉयज, द स्क्रैम्बलर इज देयर, V4 इज देयर, हियर इज द पर्ल अकेडमी दिल्ली, ओह माय, अरे अरे, एंड हियर इज द ल्यूटन्स नोटरा दैट वाज इन, द 1250 गिव्स गूज़बम्स लुकिंग एट इट, सीरियसली गूज़बम्स। इतनी ह्यूज, इतनी बड़ी बाइक है, आई डोंट नो कि भाई कभी चला पाएंगे, कभी ले पाएंगे नहीं, पर आई बिलीव कि एक लीटर क्लास तो बहुत जल्दी आएगी। एंड हियर इज द माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट कावासाकी, एंड आई लव द 10R, आई लव 10R। नए वाली बूसा से मुझे थोड़ा सा प्यार हुआ है एंड दैट बाइक इज़ मॉन्स्ट्रस, द बूसा इज़ मॉन्स्ट्रस, बट आई लव 10R, इट्स अ स्मॉल बाइक बट अ पावरफुल वन। पर उसे लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी है, वे पीपल गो ऑन अ वेरी लॉन्ग टूर एंड दे हैव
कम थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उस बाइक को, थोड़ी सी चोक हो जाती है बेचारी, फीबल है काफ़ी, तो उस चक्कर के अंदर मुझे काफ़ी डर लगता है वो वाली बाइक लेने में। पर या सही टाइम आने पे सही चीज़ लेंगे एंड वील इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड थिंग, जिसको आपको भी देखने में मज़ा आएगा एंड मेरा भी एड्रेनलिन रश करेगा कि भाई बस वो। अगर मैं और अच्छी बाइक इन फ्यूचर स्विच करता हूँ, यू विल अप्रिशिएट माई हार्ड वर्क दैट इज पुट इन टू दैट इन्वेस्टमेंट। बट या एवरीथिंग डिपेंड ऑन डेस्टिनी एंड लक। एंड पता है मैंने नोटिस किया दैट मैनी 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 ऑफ द सर्विंग पीपल ऑफ आर नेशन आर वॉचिंग आर ब्लॉग्स। तो मैं गाइज, अगर आप पुलिस में हैं, यू आर इन ट्रैफिक पुलिस, सर्विंग पुलिस, कॉन्स्टेबल, भाई कोई भी है, आई रेस्पेक्ट योर वर्क, पर गलती से, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, पर गलती से अगर मेरे मुंह से निकल जाता है पुलिस वाला यहाँ पुलिस, एक ना टोन है बस दिल्ली की, ये काफ़ी लोगों को रूड लगती है, पर हम पुलिस वाला बोलते हैं बिकॉज इन पुलिस, इफ आई से इन इंग्लिश आई से पुलिस मैन, ओके, सो इट सीम्स डिसेंट, बट द पुलिस वाला सीम्स रूड एंड सॉलिसिटेटिंग लगता है थोड़ा सा। तो बस इस चक्कर में अगर आपको थोड़ा सा रूड कभी जेस्चर लगे मेरा, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर देना यार, भाई हूँ आपका, कोई रूल नहीं तोड़ता हूँ, बट या थोड़ा सा वहाँ पर लोगों को लगता है कि थोड़ा सा रूडली बोल रहा, तो इन सब के लिए फॉर द पीपल हु आर सर्विंग आवर नेशन, नो गाइज, लव यू ऑल, समझा करो, छोटी छोटी बातें क्लियर करनी ज़रूरी होती हैं। नोटिस की जो अपनी क्लासिक की ब्रेकिंग है इन सैंड, वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब सैंड के अंदर, ग्रेवल के अंदर। अभी यहाँ पर मोतीनगर साइड है एंड द ग्रेफिटी लुक्स सो ब्यूटिफुल, हियर्स अ टाइगर, एन आउल, एन एलिफेंट, अ मंकी, लायन एंड अ डियर, इसका कोई ना कोई मतलब होगा पर मुझे रियल में पता नहीं है। फुल डूबा डा भी हो जाए लेकिन या आई लव रेन। एंड हियर इज द फैक्ट्री आउटलेट ऑफ ईच कंपनी, स्केचर्स, UCB, Adidas, एंड या द KTM। इस KTM पे पता है आपको, मैं 2016 में व्हेन आई स्टार्टेड इन कॉलेज आई लव्ड KTM ड्यूक, नॉट ड्यूक दैट टाइम, बट RC 390 वॉज वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स, जस्ट फॉर द रीज़न कि उसके अंदर कस्टमाइजेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा सीख ली थी, केरला से मैंने काफ़ी कस्टमाइजेशन सीख ली थी, केरला स्टेट से, क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी कस्टमाइज़ करते हैं बाइक को। तो मैं RC का बहुत बड़ा दीवाना था, पर समझ आया कि नहीं, RC इज़ नॉट प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू अ फैमिली यूज़, एंड उसके ऊपर लगेज माउंट नहीं हो सकता है कि कहीं जाने लगे, कहीं घूमने लगे। बट माई डैड लव्ड एनफील्ड वेरी मच, ही हैड एन इलेक्ट्रा, आई ड्रोव इलेक्ट्रा फॉर अराउंड 5,000 to 10,000 किलोमीटर्स, फिर उसके बाद आई स्विच टू दिस बाइक इन 2020 अक्टूबर। अमेजिंग पीरियड, अमेजिंग बाइक, एवरीथिंग गोज विद टाइम, बट नाउ इट्स अ क्रेव टू हैव दैट लीटर क्लास बाइक। ओए होए होए, बलिनो मोमो इटली के पहिए, ओए होए होए, इन्हें बेचारे को पता भी नहीं है यार, इंडिया के अंदर कितनी मुश्किल से कितने कम रिटेलर्स हैं मोमो इटली के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की, एंड एवरीथिंग इज फिल्ड विद फेक प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज़ मोमो और इट इज़ दैट कौन सी होती है वो, दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस जो मैंने देखी है आज तक, यहाँ पर कोई भी कहीं से भी आ जाता है, मतलब ये तो शुरुआत है, इसके पीछे थोड़ा सा वो नॉर्थ दिल्ली एरिया पड़ता है, कंजस्टेड है, पर या एवरी एरिया हैव इट्स यूनिक चीज़, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, हमारी गौ माता वगैरह सारी दिखेंगी आपको। एंड आई एम नियर इंद्रलोक एंड शास्त्री नगर जस्ट फॉर सम शेड्स, चश्मा लेने आए हैं यहाँ पर, हेयर इज़ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड जिनकी दुकान है यहाँ पर चश्मों की, उनसे मैं बनवाता हूँ सारे के सारे गॉगल्स, क्योंकि कल जहाँ पर हम जा रहे हैं ऑब्वियसली धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी है, हर चीज़ है, तो उसके चलते ना मेरी आँख बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है, बिकॉज कंप्लीट वाइट लाइट लगती है ट्रैवल करते वक्त, सो आई वॉन्ट अ ब्लैक शेड, स्टैंड पे ऊपर कर ले यार। ओके, सो फाइनली माई वर्क इज ऑल डन भाई, बड़ी मुश्किल से चश्मा वश्मे का इंतज़ाम हुआ, एंड यहाँ से आ जाता है हमारा यू टर्न। ओए होए,
रोलिंग तो देखो दो भाई। टॉक अबाउट क्या प्यास लग रही है भाई, जब से टॉकिंग चल रही है पानी पीऊंगा भाई। ये वाली वीडियो शूट करते करते मुझे एक और वीडियो एडिट करनी है घर जाकर, जो आएगी कल जिस टाइम मैं होऊंगा दिल्ली से बाहर। यस, जैसे आपको बताया मैंने, तो या ओ भाई साहब पता ही नहीं चला एकदम से आगे सामने, मैं कह रहा था ना इस एरिया के अंदर ये कहीं भी आ जाते हैं। तो या कंट्रोल्ड स्पीड में अगर मैं ना चला रहा होता तो मैं भीतर होता। ओके सो आई स्टॉप्ड एट अ रेड लाइट एंड यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा बाइक पर बैठा हुआ है एंड शी, वो लड़की है, शी इज जस्ट कीप स्टेयरिंग द बाइक। सही है यार, बच्चों का शौक पूरा होता है। आई डोंट नो द प्राइस ऑफ डीजल, ये डीजल कार है। डीजल का प्राइस मेरे को सच में नहीं पता कितना चल रहा है अभी, बट या आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 80 to 90, 90-95 तो चल रहा होगा डीजल का प्राइस जिस हिसाब से पेट्रोल है। सो द PSI फॉर कार आई हैव सेट फॉर 30, यहाँ पर भी 30 रिकमेंडेड होते हैं। नेक्सॉन कार जिसमें अलॉयज हैं, आई थिंक जो लोअर वेरियंट है उसके अंदर 32 हो जाते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट या इसके अंदर जाएगी 30।